ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अपील मंजूर। आयतुल्लाह खामनाई ने 5,000 से ज्यादा कैदियों की सजा को किया माफ। इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के सुप्रीम लीडर हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई ने देश में 5,156 कैदियों की कैद की सजा को माफ या कम करने के प्रस्ताव को कबूल कर लिया है। शिया मुसलमानों के 8वें इमाम हजरत अली इब्न मूसा रजा की विलादत और ज्यूडिशरी वीक के मौके पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने 5,000 से ज़्यादा कैदियों की सजाओं को माफ या उसमें छूट दी है। ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख और नव निर्वाचित राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने आयतुल्लाह खामनाई को खत लिखकर इन कैदियों की सजा को माफ करने या कम करने की अपील की थी। गौरतलब है जिन कैदियों की सज़ा माफ़ या कम की गई है उनके मामलों की एक स्पेशल कमेटी ने समीक्षा की थी और उन्हें इस प्रस्तावित लिस्ट में शामिल किया गया था। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने संविधान की धारा 110 के आर्टिकल 11 के तहत दोषियों की सज़ा को माफ़ करने या कम करने की अपील को कबूल कर लिया है।